आज पठानकोट में संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक के घर के बाहर भारी इकट्ठ कर धरना दिया गया व पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। किसान मोर्चे के लीडरों ने कहा कि उनकी कुछ जुड़ी मांगे हैं जो वह सरकार से मांग रहे हैं, पर सरकार है कि उनकी मांगों से पल्ला छुड़ाकर भाग रही है, जिसके चलते उन्हें मजबूरन इनके मंत्रियों के घरों के बाहर धरना देना पड़ रहा है। इन लोगों ने कहा कि आज भी सरकार को पता था कि किसान मोर्चा कैबिनेट मंत्रियों के घरों का घेराव करेगा, जिसको देखते हुए सरकार ने आज कैबिनेट की मीटिंग रख ली ताकि कोई भी मंत्री घर में ना मिल सके। किसान मोर्चे के लीडरों ने अपनी मांगे, जिनमें से एक पशुओं को हो रही लंपी स्किन बीमारी पर सरकार को घेरा व दूसरा गन्ने के रेट बढ़ाने संबंधी व पिछला गन्ने का बकाया राशि जल्द देने संबंधी घेरा। किसानों ने कहा कि अगर जल्द सरकार ने इस पर ध्यान न दिया तो वह उग्र प्रदर्शन करेंगे। दूसरी तरफ किसानों ने इस संबंधी SDM को मांग पत्र भी दिया। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लंपी स्किन बीमारी का इलाज ना करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों पे हमला करने वाली केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मोर्चे वालों पूरे पंजाब भर के मंत्रियों के विधायकों ने घर अगे धरने दे के उन्होंने मंग पत्र सौंप रहे हैं, जिन्हें मुख्य मुद्दे ये ने कि पंजाब दे विच जिहड़े पशुओं की बीमारी आ लंपी स्किन डिजीज जिहड़ी है उहदे नाल लखां पशु बीमार ने और हज़ारां पशुओं की मौत हो चुकी है, पर सरकार जिहड़ी है इत्थे चुप धारी पई है और ये ही जरा बीमार डंगर ने उन्होंने दुध आ जरा दुध घट गया वा जनता में वाह फैलाती है भैया बीमार डंग गवों का जरा दुध वा इन्हें ना पीओ तुम जरा दुध का धंधा वह पियो तबाही वाले पासे नूं जा रहा वा। साडी मंग ये है कि इस बीमारी के नाल जिन्हें मरे पशु ने घट्टो घट्ट उन्होंने 1,00,000 रुपया उन्होंने मुआवजा दिता जाए, जिहड़े बीमार पशु ने उन्होंने 50,000 रुपये मुआवजा दिता जाए, मरण वाले पशुओं चुकन का प्रबंध सरकार अपने खर्चे ते करे और गां जिहड़े तंदुरुस्त पशु ने उन्हां वास्ते जिहड़ा दवाई का प्रबंध करके फ्री पिंडां दे विच जिहड़ा टीका लाए जाण। ये साडा बीमारी नाल संबंधित है। दूसरा मुद्दा साडा गन्ने दे रेट का, सरकार ऐलान करती है कि असी गन्ने का भाव जिहड़ा स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट मुताबिक जिहड़ा देवांगे और असी जे मिल जी 14 दिन पेमेंट ना करें 15% ब्याज ना देवे, पर इतने मिलों का हाल यह भी 2-2 साल हो गया पैसे जोड़े वो दे नहीं रहे, मूल ही नहीं दे रहे तो ब्याज देना कितों देना वा। इस करके साड़ी कोशिश है कि सरकारी होन सहकारी होन या प्राइवेट होन जिन्नियां मिलों ने उन्हों का खड़ा बकाया जरा तुरंत जरा जारी किया जाए, अगह तो 450 रुपया प्रति क्विंटल भा दिता जाए, ये साडा मुद्दा वा। तीसरा मुद्दा साडा जिहड़े खेतों के ज्वारां नूं जां झोने दे विच जिहड़ी बीमारी पई है जिहदे करके मधरे बूटे हो गए ने उन्हां वास्ते भी जिहड़ा फसलां दा नुकसान हो रहा उन्हां दा सरकार जिहड़ा योग मुआवजा देवे। अगला मुद्दा जिहड़ा साडा देशव्यापी भी है, सरकार जिहड़ी आ साडे किसानां दी मंगां मसलां तों मुकरना चाहुंदी है, पंजाब सरकार नूं साडे लोकां नाल खड़ना चाहीदा, नहीं है तो आने वाले दिनों के संयुक्त मोर्चे ने जिहड़ा वो फैसला कर लिया वा संघर्ष का, वह पड़ाव पर पड़ा अगे जारी रहेगा। अज सगों मंत्रियों को इतने अपने घर दफ्तर में रह के किसानों की गल सुननी चाहिए ही, पर इन्होंने सारे पंजाब के जो पता भी 31 जथेबंदियां साडे घरों आ रही ने, इन्होंने अपना कैबिनेट की मीटिंग सद के साडे लोगों नाल धोखा किया, किसी हालत में भी इन्होंने जिम्मेवारियों तो भजन नहीं देवे, ये साडा फैसला वा। इस करके असं अज उन्होंने गैर हाजिरी में जोड़ा भी अधिकार तो अधिकारी होगा उन्होंने मांग पत्र देखो जिनी देर तक किसान जथेबंदियां तो मजदूर जथेबंदियों में ही उदों तक साड़ी गल है, क्योंकि सरमायेदारां की हमेशा कोशिश होंदी है जिन्हें आगू लोग ने इन्हों खरीद लिया जाए, इन्हों जनता चो बदनाम किया जाए, इन्हों दे लालसावां नूं पट्ठे पाए जाण, इन्हों दी लालसा सी कि भी मैनूं मंत्री बनना चाहिए, मैनूं MLA बनना चाहिए, उन्होंने इन्हों इदां दा चोगा पाया, इन्होंने जो जथेबंदियां छड्ड के तो उहदे विच शामिल हो गए, उन्होंने एक मिसाल पैदा कर दी है कि इदां दे लोग जिहड़े आ जिहड़े खरीददार होंदे ने जिहड़े कमजोर कड़ियां होंदे ने उन्हां नूं खरीदिया भी जा सकदा, वह इन्ने भोए हल्के दे विच साबित कर दिता कितने लोगों के लहरां दा आगू हुंदा है, अज उन्हां लहरां नूं जिहड़ा नकुचलन वाला वा उन्हां नूं लियो लाउण वाला वा वह रोल अदा कर रहा। किसान भरावां वल्लों मंग पत्र दित्ता गया, इहदे विच दो गल्लां जो डिमांड ने अनाउंस कीतियां ने ये सारी वैसे जायज़ ने वाजिब ने। यह मंग पत्र
ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।